सरदार पटेल का जब निधन हुआ तब वो 75 साल के थे। निधन से 3 दिन पहले ही वो दिल्ली से मुंबई गए थे क्योंकि सरदार पटेल बहुत बीमार थे और डॉक्टरों ने उन्हें उस उम्मीद से मुंबई ले जाना तय किया कि शायद मुंबई का मौसम उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 12 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल वायुसेना के डकोटा विमान से मुंबई गए। एयरपोर्ट पर उन्हें छोड़ने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू भी आए थे। लेकिन मुंबई पहुंचने के 3 दिन बाद 15 दिसंबर 1950 की सुबह 3 बजे सरदार पटेल को दिल का दौरा पड़ा। करीब 4 घंटे तक वो बेहोश रहे। उसके बाद जब उन्हें कुछ होश आया तो उन्होंने अपनी बेटी मणिबेन से पानी मांगा। मणिबेन ने उन्हें गंगा जल में शहद मिलाकर चम्मच से पिलाया और सुबह 9:37 पर सरदार पटेल ने अंतिम सांस ली। सरदार पटेल के निधन के बाद क्या हुआ आपको वो भी सुनना चाहिए, पैरों तले जमीन निकल जाएगी। पटेल के निधन के 1 घंटे बाद ही संसद की बैठक बुलाई गई और वहां पर नेहरू ने पटेल के निधन के बारे में सदन को बताया। 1 हफ्ते का राजकीय शोक रखा गया और सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। देश और विदेश से सरदार पटेल के निधन पर शोक संदेश आने लगे। पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नेहरू और सी राजगोपालाचारी दिल्ली से मुंबई पहुंच गए। लेकिन नेहरू नहीं चाहते थे कि कोई और भी सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में जाए। मशहूर लेखक और नेता और शिक्षाविद के एम मुंशी की किताब है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, उसका पन्ना नंबर 289 और 290 खोलकर देख लीजिएगा। उन्होंने लिखा है कि जब सरदार पटेल का मुंबई में निधन हुआ तो जवाहरलाल ने अपने मंत्रियों और सचिवों को आदेश जारी किया कि वो सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में न जाएं। सरकार के मंत्रियों में मैं उस वक्त बॉम्बे के पास माथेरन में ही था। एनवी गाडगिल, सत्यनारायण सिन्हा, वीपी मेनन ने नेहरू के आदेश को नहीं माना और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अंतिम संस्कार में जाने से रोक रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से भी मुंबई न जाने का निवेदन किया। यह बहुत हैरान करने वाला था लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने भी उनकी बात नहीं मानी। के एम मुंशी ने अपनी इसी किताब में लिखा है कि नेहरू का मानना था कि राष्ट्रपति को किसी कैबिनेट मंत्री की अंत्येष्टि में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, इससे गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। क्या पटेल सिर्फ कैबिनेट मंत्री थे? इस देश के लिए उनका इतना बड़ा योगदान और राजेंद्र प्रसाद को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन नेहरू रोक रहे थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि राजेंद्र प्रसाद वहां गए और सी राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद ने वहां पटेल की चिता के पास भाषण भी दिया जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरदार के शरीर को अग्नि जला तो रही है लेकिन उनकी प्रसिद्धि को दुनिया की कोई अग्नि जला नहीं सकती। सरदार पटेल के करीबी रहे वीपी मेनन के साथ काफी अरसे तक काम करने वाले ब्यूरोक्रेट एमके के नायर ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ एन एरा टोल्ड विदाउट इलविल में लिखा है कि जैसे ही नेहरू को पटेल के निधन के बारे में पता चला, नेहरू ने 2 सरकारी नोट गृह मंत्रालय को भिजवाए। ये नोट वीपी मेनन के पास पहुंचे तो उस वक्त गृह मंत्रालय के सचिव थे वो। पहले नोट में नेहरू ने मेनन से कहा था कि सरदार पटेल जो सरकारी कैडिलैक कार इस्तेमाल कर रहे थे वो अगली ही सुबह विदेश मंत्रालय को भेज दी जाए। इतनी क्या हड़बड़ी थी सर? और नेहरू के दूसरे सरकारी नोट में ये कहा गया था कि सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में अगर कोई अधिकारी जाना चाहता है तो उसे अपने पर्सनल खर्चे पर मुंबई जाना होगा। उस वक्त गृह मंत्रालय के बहुत सारे अधिकारी सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे। बाद में गृह सचिव मेनन ने सभी को एक साथ बुलाया और करीब 12 अधिकारियों को अपने खर्चे पर मुंबई लेकर गए। जब नेहरू को यह बात पता चली तो वो मेनन से बहुत चिढ़ गए। वो लिख रहे हैं, किताब में लिख रहे हैं, बॉस सरदार पटेल की अंत्येष्टि में लोग ना चाहें, ये क्या सोच है भाई? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। इतना दुख होता है सुनकर और गुस्सा भी आता है। सोचिए ये सब नेहरू उस नेता के निधन पर कर रहे थे जो देश के गृह मंत्री नहीं डिप्टी पीएम भी थे और देश के सबसे मजबूत और लोकप्रिय नेताओं में एक थे। ये उनके अंत्येष्टि की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। हैरान रह जाएंगे कि इसमें ये इतनी भीड़ ना हो, इतने लोग ना हो, ये भी कोई चाह रहा होगा, सोच रहा होगा। ऐसा कोई सोच सकता है?
आप हैरान रह जाएंगे जब आप सुनेंगे कि सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल थे। नेहरू के ये सब करने के बाद भी सरदार पटेल को अंतिम विदाई देने 10 लाख लोग आए थे। अरे कैसे रुकता है क्या प्यार? 10 किलोमीटर लंबी भीड़ थी, 1500 से ज्यादा अधिकारी शामिल हुए, कोई रोके ना रुका। सरदार पटेल का निधन बॉम्बे के बिरला हाउस में हुआ था और उनका अंतिम संस्कार मरीन लाइंस में हुआ। लेकिन यह इतिहास का वो पन्ना है जो बहुत लोग नहीं जानते।